नमस्कार, आपका स्वागत है वन मिनट स्पोर्ट्स में। आज भारत और श्रीलंका के बीच में तीन टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। टॉस जीत के भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी कर रही श्रीलंकन टीम ने शुरुआत धीमी की, परंतु जल्दी विकेट नहीं गंवाया। 67 रन की महत्वपूर्ण ओपनिंग साझेदारी करने के बाद 38 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट जडेजा को दे दिया। इसके बाद दो विकेट असलंका और कामिल मिश्रा के रूप में जल्दी गिर जाने के कारण श्रीलंका टीम प्रेशर में आ गई थी। चंदीमल भी मात्र 9 रन बना के पवेलियन लौट गए, परंतु कप्तान दर्शन शानाका ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 2 चौके की मदद से मात्र 19 गेंद पर 47 रन की धुआंधार पारी खेली। ओपनर निशांका भी 75 रन की बड़ी पारी खेलने के बाद आउट हो गए और श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 183 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से भुवनेश्वर, चहल, हर्षल, रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर ने एक एक विकेट लिए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पारी सधी हुई नहीं रही। रोहित शर्मा मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन भी आउट ऑफ टच लगे, मात्र 16 रन बना के वह भी पवेलियन लौट गए। लड़खड़ाई हुई भारतीय पारी को संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने मिलकर संभाला। जब भारत का स्कोर 128 रन था, तब संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी तूफानी पारी खेली। मात्र 18 गेंद पर उन्होंने 45 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। श्रेयस अय्यर भी 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं, और भारत ने यह मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। श्रीलंका की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे लाहिरु कुमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें वन मिनट स्पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।